तो स्टार्ट करते हैं गए आज का टॉपिक आज का टॉपिक है हमारा बीकासूल कैप्सूल क्या होता है पूरी चीज़ें मल्टीवाइटामिन कैप्सूल डिटेल्स समझेंगे पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहली चीज ये वीडियो बेसिक नॉलेज के लिए मेडिकल स्टूडेंट के लिए कोई भी पर्सनल मेडिकेशन ना करें हम वीडियो बनाते हैं मेडिकल स्टूडेंट के लिए फार्मासिस्ट के लिए नर्सिंग स्टाफ के लिए डॉक्टर्स के लिए ताकि बेसिक नॉलेज वो समझ सके ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट नॉट फॉर बेसिक पर्सन नॉर्मल पर्सन ठीक है कोई भी पर्सनल मेडिकेशन ना ले स्टार्ट करते हैं बीकासुल कैप्सूल क्या होता है देखिएगा बीकासुल कैप्सूल इज अ मल्टी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दो चीज़ बोली गई है एक चीज है वाइटामिन दूसरी चीज है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ठीक है तो बीकासोल मल्टीविटामिनस तथा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे और मल्टीविटामिस मतलब बहुत सारे विटामिंस इसके अंदर उपस्थित होते मैकेनिज्म भी समझाऊंगा एक-एक चीजें करके डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे इसमें ठीक है देखिएगा नेक्स्ट लाइन बीकासोल इज अ ब्रांड नेम व्हिच इज कंटेन बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन सी मतलब बीकासुल कैप्सूल है ना इसमें बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है क्योंकि विटामिन बी भी आ, कई टाइप से डिवाइडेड किए गए बी बी के साथ में विटामिन बी के साथ में विटामिन सी भी इसमें इंक्लूडेड रहता है ठीक है बीकासूल इज अ ब्रांड नेम विच इज़ कंटेन बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन सी ठीक है आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन के क्या कंपोजिशन होते हैं इसके अंदर मतलब कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं बीकासुल्स के अंदर देखिएगा विटामिन बी वन जिसे हम लोग याद रखिएगा इसमें हमेशा नाम बताया गया थायमिन ठीक है थायमिन के नाम से भी जानते हैं एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझना इफ़ यू आर अर मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल प्रोफेशनल तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए तो विटामिन बी वन का नाम होता है मेडिकल नाम होता है थायमिन होता है टेन एम जी इस कैप्सूल के अंदर उपस्थित रहता है विटामिन बी टू बी टू जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं टेन एम जी टैबलेट के अंदर uh, कैप्सूल्स के अंदर उपस्थित रहता है दूसरी चीज़ है विटामिन

सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आ, पकाई में प्रेजेंट होता है वेजिटेबल में पालक वगैरह फोलिक एसिड अच्छी क्वांटिटी फोलिक एसिड प्लस आयरन अच्छी क्वांटिटी में मिलता है विटामिन बी नाइन का ही होता है नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी ट्वेल जिसे बोलते हैं साइनो कोबालामिन पंद्रह एम जी प्रजेंट रहता है कैप्सूल्स के अंदर इसके अलावा एस्कोर्बिक एसिड ठीक है एस्कोर्बिक एसिड जिसे हम लोग क्या कहते हैं विटामिन बी टू ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ये चीज ध्यान रखना आप लोग इंपॉर्टेंट है ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है बाकी आप बेसिक नॉलेज के लिए तो याद रखिएगा एक एक वाइटामिन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से मैं समझा देता हूँ फिर आगे मेडिसिन के ऊपर स्विच करेंगे हम लोग विटामिन बी विटामिन बी जो होता है इट हेल्प टू प्रोडक्शन एंड न्यू न्यूरो ट्रांसमीटर एंड द इंक्रीज फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड नर्व्स यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है साथ में आवश्यक अब न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है मैसेज वाला सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी से हमारे नर्वस सिस्टम तक जो मैसेज जाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है और हृदय तथा न्यूरोन्स के कार्यों को भी बढ़ाता है ठीक है जो हार्ट के फंक्शनिंग बढ़ाता है और न्यूरोस में और उसकी फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है विटामिन बी टू की बात करें तो इट प्रट प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड यानी कि यह या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड के टूटने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करवाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट था राइबोफ्लेविन जो राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन बी टू को बी टू को ही हम राइबोफ्लेविन कह रहे हैं विटामिन बी यानी कि बी टू यानी कि राइबोफ्लेविन आल्सो हेल्प टू रेड ब्लड सेल्स टू सेल दे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू दिस सेल यानी कि बी टू जो होता है इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए किस चीज का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ये विटामिन बी टू हमारा ठीक है आगे बढ़ते हैं बी थ्री का बेसिक फंक्शन जो कैप्सूल है ना अब आप इन चीजों से ही तो समझ पाओगे आप मेडिसिन के किस पेशेंट के लिए बनाया गया है किस पेशेंट को आप यूज कर सकते हो उस चीज के लिए ठीक है इट नियासिन यानी कि विटामिन बी थ्री को नियासिन भी कहते हैं और निकोटीनामाइड देखो नियासिन कहो या निकोटीनामाइड कहो दोनों ही जो नेम है नियासिन और वन मिठे हाईलाइट कर देता हूं उसको नियासिन प्लस निकोटिना माइट बोथ आर विटामिन बी थ्री ठीक है विटामिन बी विच इज मेंटेन हेल्दी स्किन एंड नर्व टिश्यू यानी कि हमारी बॉडी के नर्व टिश्यू जो है साथ में जो स्किन है उसके हेल्दी यानी कि उसको लिखा हुआ है इसे नियासिन या निकोटिना भी कहते हैं जो कि हमें त्वचा तथा ऊतकों को स्वस्थ रखता है हमारी स्किन को हेल्दी बना के रखता है स्वस्थ रखता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी थ्री नेक्स्ट आता है विटामिन बी फाइव जो विटामिन बी फाइव है इट इज देखो बी कॉम्प्लेक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना बीकासूल इज अ बी कॉम्प्लेक्स जिसमें ये सारे विटामिन उपस्थित है जितने भी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं इन सारे फंक्शंस को इंक्रीज करवाता है वो एक कैप्सूल्स ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम विच इज रिक्वायर फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट वाइटामिन एंड लिपिड यानी कि यह एक एंजाइम बनाने में मदद करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है ठीक है याद रखिएगा विटामिन बी फाइव नेक्स्ट आता है विटामिन बी सिक्स बी सिक्स क्या होता है विटामिन बी सिक्स इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी टू मेंटेन हेल्दी स्किन नर्व्स एंड रेड ब्लड सेल्स वही चीज है कि जो बी सिक्स का काम क्या है शरीर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है रक्त नर्व तथा लाल रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है हेल्दी बना के उसे रखेगा पायरिडोक्सिन प्रिवेंट और ट्रीट नर्व डिसऑर्डर यानी कि जो विटामिन बी सिक्स है इसे पायरेडॉक्सिन भी कहते हैं बी सिक्स को पायरेडोक्सिन भी कहते हैं और यह इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए नर्व डिसऑर्डर जितने भी बॉडी में नर्व डिसऑर्डर होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए उनको ठीक करने के लिए उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विटामिन बी सिक्स इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी ट्वेल्व जैसे हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन बोन मेरो यानी कि साइनोकोबेलामिन बोन मेरो के अंदर इंपॉर्टेंट होता है हमारी ब्लड सेल्स जो कि आरबीसी होती है उसके प्रोडक्शन के लिए आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे विटामिन बी का याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है आपको ठीक है आगे बढ़ता हूँ अब आते हैं कॉज ऑफ़ विटामिन बी वन डेफिशियंसी देखिएगा हम इसमें अभी तो हमने बेसिक फंक्शन को समझा अब हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे बेसिकली कि जो कॉजेस क्या है क्या कॉजेस के कारण और कैसे फंक्शन करेगा कैसे हेल्प करता है बॉडी को ठीक करने में तो विटामिन बी वन की बात करते हैं तो विटामिन बी वन ईटिंग पोई इटिंग एंड वाइट व्हीट यानी कि आपके ज़्यादा चावल पॉलिश वाले जो चावल आते हैं ना जो बिल्कुल नेचुरल नहीं रहते उनके ऊपर का पूरा जो निकाल देते हैं पॉलिस्ड होते हैं उस प्रकार के चावल और जो अनाज वगैरह खाने से दाल पॉलिश दाल खाने से वो आपको न्यूट्रिशन नहीं देती वो आपको वाइटाम नहीं दे पाती जिससे विटामिन बी वन की कमी हो सकती है इट मे कॉज इट मे कॉज एनरोगिया एंड डिक्रीज द स्टमक एसिड यानी कि भूख को कम कर दे भूख भी इससे कम हो जाती है साथ में क्या होता है एसिड भी इसमें डिक्रीज हो जाता है आपके स्टमक के अंदर नेक्स्ट है हमारा ड्यू टू डेफिशिय कैन कॉज फटिक एंड मेंटल डिसऑर्डर यानी कि अगर आपको विटामिन बी की कमी हुई है तो आपको फटिक यानी कि थकावट लगेगी मेंटल डिसऑर्डर हो जाएंगे इस प्रकार की दिक्कतें आपकी बॉडी में देखने को आपको मिल सकती है आगे बढ़ते हैं ज ऑफ विटामिन बी टू अब बी टू की बात करते बी टू आप कहा, कहा यूज़ देखो इन पेशेंट को आप आइडेंटिफाई करके उन पेशेंट में आप बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है ड्यू टू इट्स डेफिशिय डिक्रीज हीलिंग प्रोसेस ऑफ कि इसकी कमी से घाव भरने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है यानी कि कोई पेशेंट है उसका जो है, वो भर ही नहीं पा रहा है उस पेशेंट में भी बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि उसमें विटामिन बी टू उपस्थित होता है और बी टू घाव भरने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑल्सो कोस ऑल्सो कोस सेल्यूलोसिस सेल्यूलाइसिस मीनस क्रैक्स इन कॉर्नर ऑफ माउथ यानी कि चिलोसिस सॉरी चिलोसिस, चिलोसिस चिलोसिस का मतलब होता है कि जो हमारे माउथ के कोई बच्चे रहते हैं उनके मुंह के कॉर्नर फट जाते हैं उनको चिलोसिस कहते हैं उस प्रकार के कंडीशन में भी बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है और या फिर बीकासूल कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं इट कैन इट कैन ऑल्सो कॉज ग्लोसाइटिस मीन स्वेलिंग इन टंग यानी कि ग्लोसाइटिस का मतलब होता है जबकि जुहा में जो कि सूजन आ जाती है ना याद रखना टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोसाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग इन टंग यानी कि आपकी जुबा के अंदर कोई स्वेलिंग आ गई हो तो ग्लोसाइटिस कहते हैं ठीक है ग्लोसाइटिस हो जाती है तब भी आपको विटामिन बी टू हेल्पफुल होता है बी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल किया जा सकता है आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉज ऑफ विटामिन बी थ्री डेफिशिय विटामिन बी थ्री डेफिशियन के कॉजेज समझते और यूज समझते हैं। ड्यू टू डेफिशियंसी कैन कॉज पेलीग्रा डिसीज यानी कि इसकी कमी से पेलीग्रा नामक बीमारी होती है और पेलीग्रा क्या होती है पेलीग्रा इज अ सीवियर स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर पेलीग्रा है एक बीमारी है जो कि त्वचा तो से संबंधित बीमारी होती है also cause aneroxia, इसमें aneroxia भी हो जाता है मतलब भूख खत्म हो जाती है इनडाइजेशन यानी कि पाचन व्यक्ति का नहीं हो पाता अगर आपको ऐसा लग रहा है स्किन में डिसऑर्डर है या फिर खाना पीना नहीं पच रहा है डाइजेशन नहीं हो रहा है भूख कम लग रही है तो बी बीका इस्तेमाल किया जा सकता है नेक्स्ट आते हैं कॉजेस ऑफ विटामिन बी के ऊपर बी में है विटामिन बी फाइव डेफिशियंसी रियर बहुत ही कम होती है विटामिन भी बी सिम्टम्स कैन सीन यानी कि फटिक थकावट होना इन नींद नींद नहीं आना डिप्रेशन में व्यक्ति जाना बर्निंग फीट यानी कि पैरों के तलवों में जो जलन होती है उनमें भी बीकासुल्स काफी अच्छा काम करता है उनमें भी यूज किया जाता है नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी सिक्स विटामिन बी सिक्स डेफिशियंसी कैन कॉज माइक्रो माइक्रोसाइटिक एनीमिया यानी कि विटामिन बी सिक्स की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया माइक्रोसाइटिक मतलब छोटा आपके आरबीसी जो है छोटी हो गई और उनकी संख्या कम होगी उसे माइक्रो साइटिक एनीमिया कहते हैं नेक्स्ट आता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया इन विच डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी यानी कि कोई एनीमिया है खून की कमी हो रही है आरबिसिस छोटी हो रही है उस कंडीशन में भी विकासुल्स का इस्तेमाल हो सकता है नेक्स्ट आता है कॉज़ डायरिया यानी कि उसे दस्त लग सकते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज बनना लॉस ऑफ एपेपटाइट भूख कम हो जाना साथ में वॉकिंग प्रॉब्लम यानी कि व्यक्ति वॉकिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएगा इस प्रकार की दिक्कतें आपको विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से देखने को मिल सकती है जिसमें बीकासुल कैप्सूल का इस्तेमाल इजीली हो सकता है यूजेस ऑफ वाइटामिन सी क्योंकि बीकासुल जो कैप्सूल है उसमें बी कॉम्प्लेक्स तो है ही साथ में विटामिन सी भी पाया जाता है तो विटामिन सी की कमी से जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो सब यहाँ से रिकवर कर सकते जैसे कि विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉलेजन यानी कि विटामिन सी कॉलेजन फाइबर में बनाने कोलेजन फाइबर हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है उसको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इट हेल्प टू बोन एंड टिश्यू फॉर्मेशन हमारी हड्डियों को बनाने में भी विटामिन सी का इंपॉर्टेंट रोल होता है इट ऑल्सो हेल्प टू हीमोग्लोबिन एंड आयरन मेटाबोलिज्म हीमोग्लोबिन और आयरन के मेटाबोलिज्म में भी आपको विटामिन सी की आवश्यकता होती है जो कि कमी होने पर आप इस्तेमाल का, का कर सकते हो इट मेंटेन इट मेंटेन एंटीऑक्सीडेंट विच हेल्प टू हेल्थ हेल्थीनेस ऑफ स्किन यानी कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है जो हमारी स्किन वगैरह को हेल्दी रखते हैं उनको भी मेंटेन रखता है नियंत्रित करके रखता है विटामिन सी साथ में इसके और फंक्शन इट इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोब्लिन यानी कि हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोब्लिन की इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि सेट्रिक एसिड वगैरह आप नींबू से ले सकते हो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पाया जाता है विटामिन सी तो जितने भी खट्टे फ्रूट है सब में विटामिन सी होता है वो कि इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए से बोलते हैं ना मॉर्निंग में सुबह खाली पेट आपको पीना चाहिए नींबू का पानी गर्म पानी में डाल के इस टाइप से तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है इम्यूनिटी बूस्ट होती है बॉडी में ठीक है नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ कैप्सूल बेसिकली यूज जो होता है माउथ अल्सर मुंह में छाले वगैरह बन जाते हैं तब भी कैप्सूल का इस्तेमाल होता है एनरोग्स भूख ना लगना जब व्यक्ति को भूख नहीं लगती तब भी इस्तेमाल होता है साथ में ट्रीट माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण वगैरह हो गया हो तब भी इस्तेमाल होता है ट्रीट बॉडी वीकनेस बहुत ज़्यादा व्यक्ति को कमजोरी हो रही हो तब भी इस्तेमाल किया जाएगा इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म यानी कि शरीर में मेटाबोलिज्म को इम्प्रूव करना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाग आता है डोजेस का क्या डोजेस पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है पर डे यानी कि दिन में केवल एक ही कैप्सूल पेशेंट को सजेस्ट करना है एडल्टोज में ठीक है और बच्चे के लिए बच्चों के लिए फिर मल्टाविटाम के ऑप्शन बनते हैं बच्चों को शीशे का इस्तेमाल शीरप का इस्तेमाल किया जाए जैसे जिंकोवेट करके आती है इसके अलावा ए टू जेड करके आती है बहुत सारी शीरप है वो भी बच्चों में इस्तेमाल हो सकती है इट शुड बी गिवन आफ्टर टेकिंग मिल यानी कि खाना खाने के बाद ही इसको कैप्सूल्स को बीकासूल का इस्तेमाल करना चाहिए कैप्सूल शुड बी टेकन वन टाइम एवरीडे यानी कि एक समय बना लो पेशेंट को बोल दो आपको रोज सुबह खाना खाने के बाद यानी कि फिक्स 11 बजे लेना है खाना खाना आप 11 बजे खाते हो तो 11 बजे एक बजे आप खाना खाते हो तो एक बजे खाना खाने के बाद इस कैप्सूल को डेली सेम टाइम पे लेना होता जिससे है जिससे रिकवरी मिलती है थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारी बुक है मेडिसिन ट्रीटमेंट की इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन में देखो आप तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स एक बार चेक करो लिंक होगी वहां पर आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा बुक किताब खरीदे इसमें ऑनलाइन कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दिए हुए हमारे ठीक है इसमें तीन से ज्यादा बीमारियां मिलती है बीमारियों को इलाज मिलती है तीन सब्जेक्ट को मैंने माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एंड आर्ट फीजू ये भी हम आपको उसमें प्रोवाइड करते पूरा कोर्स एक साल की वैलिडिटी है बेसिक नॉलेज सर्टिफिकेट भी हम यहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे तो एक बार डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स आप चेक कीजिएगा थैंक यू फॉर आर इंडियन मेडिकल लेक्चर